भगवान विष्णु का 1,00,000 मंत्र का जाप किया है। ठहर, अब मैं अपने हाथों से जी के चरणों का मंगल तिलक तुझे लगा दूं। हाँ, आसन ग्रहण कर, मैं भगवान का प्रसाद लाती हूँ। आसन पे बैठना हमारे लिए वर्जित हो गया। जल्दी है, क्या बात है? माँ, अभी आसन पे बैठना हमारे लिए वर्जित हो गया। राज सिंहासन पर बैठने जा रहा है ना? शायद तुम्हें विदित नहीं कि अब मेरे लिए कुसा के आसन पे बैठने का समय आ गया है। राज्य करने जा रहा है तपस्या? तपस्या? महाराज मुझे वनवासी भेष में वन में भेज रहे हैं। मैं 14 वर्ष वन में रहूंगा और अयोध्या का राजभार महाराज भरत को दे रहे हैं। कैसे मुस्कुरा कर माँ से हंसी कर रहा है? ये हंसी नहीं, अटल सत्य है माता, इसीलिए मैं आपसे विदा नहीं, मुझे इसी क्षण बन जाना होगा। नहीं नहीं, ये झूठ है, ये सब झूठ है माँ। परंतु ये सब क्यों, किसने किया ये सब? राजाभिषेक के लिए तो स्वयं महाराज भी उत्सुक हो गए थे। जल्दी से जल्दी शुभ समय निकलवाने को कहा था, फिर एक ही रात में उनका दृश्य क्यों बदल गया? क्यों से अधिक कैकेयी की ममता है तुझ पर, फिर उसी से महाराज को क्यों नहीं रोकना? क्यों? ये स्वयं महारानी कैकेयी का ही आदेश है माता। क्या कहा? हाँ, कैकेयी का। पिताश्री ने देवासुर संग्राम में माता कैकेयी को 2 वर दिए थे, अब उन्होंने अपने 2 वर मांग लिए, भरत को राज्याभिषेक और मुझे 14 वर्ष का वनवास, इसीलिए मैं आपसे विदा मांगने आया। 14 वर्ष के लिए बन जाएगा और उसके लिए अकस्मात विदा मांगने आ गया? इतनी आकस्मिक तो बिजली भी नहीं गिरती मेरे लाल, और मुझे तो तेरी बात पर विश्वास ही नहीं हो रहा। ही नहीं, तू कहीं नहीं जाएगा, तू कहीं नहीं जाएगा। पिता की आज्ञा है, परंतु माँ की भी तो आज्ञा मिल चुकी है माता कैकेयी की। कैकेयी का तो उसमें स्वार्थ है, उसकी आज्ञा का क्या मोल है? मेरे लिए तो कैकेयी भी वैसी ही माता है जैसे आप, उतना ही मोल है उनकी बातों का मेरे लिए। मैं ये सब नहीं सुनना चाहती, तुम मेरी आज्ञा के बिना कहीं नहीं जाएगा। माँ, मेरी मैया, मेरी जननी, माता होकर माता की आज्ञा का अवहेलना करने को कह रही हो, अपने पुत्र को पदभ्रष्ट होने का आदेश दे रही हो। रघुकुल की कुल बधू माता कौशल्या क्या सूर्य वंश की परंपरा भूल गई? इसी अयोध्या के राज्य संतान है जो पृथ्वी पाताल एक करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी थी, सत्य धर्म तथा दिए हुए वचनों को पालन करने के लिए इसी अयोध्या के अधीक्षक राजा हरिश्चंद्र ने अपनी पत्नी तथा पुत्र दोनों को बीच बाजार खड़े करके भेज दिया था। अपने पुत्र को पदभ्रष्ट होने का आदेश देकर अपियस की भागी न बनो माँ। निभा ले रघुकुल की कीर्ति और धर्म कर्म कर्तव्य का पालन कर तू। मैं अपने धर्म का पालन करूंगी, मैं माँ के धर्म का पालन करूंगी, मैं भी अपने बछड़े के पीछे पिछड़ी हुई गैया की तरह तेरे पीछे पीछे आऊंगी मेरे लाल, मैं भी तेरे साथ चलूंगी। हाँ, मैं भी तेरे साथ चलूंगी। नहीं, फिर संतान यही आर्य नारी का महान आदर्श रहा, अपने स्वामी का परित्याग करने की बात आपको अपने मन में भी नहीं लानी चाहिए, क्योंकि आपके पति ही आपकी गति है। माँ, राजा हम सब लोगों के स्वामी तथा ईश्वर है, इसलिए उनका आज्ञा का पालन करना हम सब का धर्म, और 14 वर्ष तो
पलक झपकते ही भी जाएंगे। ठीक है पुत्र, 14 वर्ष तेरे बिना 14 वर्ष जा, पिता के वचन को पूरा करो, माँ की आज्ञा का पालन कर, सबका धर्म, सबके वचन, सबके कर्तव्य पूरे हो जाएंगे। परंतु इसके पीछे असहाय कौशल्या देखते देखते ये आंखें पथरा ना गई, तेरी प्रतीक्षा के बीच ये प्राण रह जाएंगे, तो 14 वर्ष के बाद तुझे देख लूंगी। हाँ, तू तो वनगमन का व्रत ये नहीं जानता, पिता के साथ साथ तूने ये है राम। माँ धीरज रखो, 14 वर्षों के बाद फिर से आपके श्री चरणों में लौट आऊंगा।